Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are doing your studies regularly. So students, as we started the chapter insulation, heat balance and temperature, and in our previous video we read about the insulation and the factor that affect the insulation and the heat budget. And today we will read the temperature topic. So here is the difference between insulation and temperature. The energy that is released by the sun is called insulation. Sun ke rays ke through energy aa rahi hai, that is insulation. Aur energy ki wajah se heat develop ho rahi hai. So ise insulation kaha jata hai. Energy to release heat, heat ko release karne ki energy hai, that is insulation. Isko calories mein measure kiya jata hai. And ye ek reason hai temperature ko increase aur decrease karne ka. सो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज इंसुलेशन की वजह से होता है. एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ हीट रिलीज बाय एनर्जी. एनर्जी से जो हीट रिलीज हुई है, कोई चीज कितनी ठंडी या कितनी गर्म है उसका जो मेजरमेंट है दैट इज टेम्परेचर. इट इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट में हम इसको मेजर करते हैं. एंड टेम्परेचर इंक्रीज होता है हीट की वजह से. सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड इंसुलेशन. Now we will discuss the some of the factor that affect the temperature. Temperature को control करने वाले factors कौन से हैं? So first one is latitude. Latitudes कैसे affect डालता है temperature पर? ये 0 degree equator है. This is tropical zone, subtropical zone. 23.5 degree north, 66.5 degree north, and this is 90 degree north pole. Same here, 90 degree south pole, 66.5 degree south pole, and 23.5 degree south. So this is also tropic and subtropic, and this is frigid zone, polar region, frigid zone. So लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड इक्वेटर के पास में है वहां पर सन की जो रेज है वो स्ट्रेट पड़ रही है तो टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा होगा. जबकि वो लैटिट्यूड जहां पर स्लैंटिंग रेज जा रही है वहां पर टेम्परेचर इन कंपैरिजन कम होगा. और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर तो जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा कम होगा क्योंकि यहाँ पर तो रेज बिल्कुल ही स्लैंटिंग है या फिर पहुंच भी नहीं पाती है, इसलिए यहाँ पर स्नो होती है हमेशा. इसलिए ये जो एरिया है इसे फ्रिज जोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पर आइस जमी हुई है जस्ट बिकॉज सन की रेज है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती. तो जो लैटिट्यूड इक्वेटर के जितने पास होगा, मतलब ट्रॉपिकल जोन की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल जोन है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है. और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे लैटिट्यूड, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता हुआ चला जाएगा. आफ्टर लैटिट्यूड द सेकेंड फैक्टर दैट इफेक्ट द टेम्परेचर, इट इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है एंड अर्थ सन के चारों ओर रेवोल्यूशन भी करती है एंड वो अपने ऑर्बिट पर रेवोल्यूशन करती है. तो अर्थ बिकॉज सन के चारों ओर रेवोल्यूशन करती है तो उसका भी इंपैक्ट पड़ता है टेम्परेचर पर. देखते कैसे. ऑल ऑफ यू नो दैट इक्वेटर हियर इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 degree, एंड हियर इज द 66.5 degree ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. दिस इज इक्वेटर. तो कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब जो सन रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है सीधी, तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो. कुछ टाइम ऐसे आते हैं इस रेवोल्यूशन में कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा आता है. और कुछ टाइम ऐसा होता है जब इक्वेटर पर भी. सो कुछ टाइम ऐसा होता है कि इक्वेटर के सीधा ऊपर चमकता है सूर्य तो यहां पर दिन और रात है वो बराबर होते हैं. एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले जून की अगर हम बात करें तो जून में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 20, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं 21 जून को. तो दिन बहुत बड़ा होता है. जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के साथ में. नेक्स्ट सेप्टेम्बर में इक्वेटर पर सूर्य सीधा ऊपर चमकता है तो इक्वेटर पर दिन और रात बराबर होते हैं. कब?
23 सितंबर को। ऐसे ही सूर्य सीधा चमकता है इक्वेटर पर 21 मार्च को भी। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं पूरे विश्व में। दिन की और रात की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। अब जब सर्दियां आती है तो सिचुएशन उल्टी हो जाती है। मतलब जब विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन क्यों आ रहा है, क्योंकि सन है उसकी जो रेज है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूर्य की किरणें पड़ रही है, इसलिए जो नॉर्दर्न इंडिया होता है सर्दियों में वहां पर टेम्परेचर कम होता है, जबकि साउदर्न इंडिया है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। मतलब दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। जब गर्मियां आती है तो हम ये कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जब सर्दियां होती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इस वक्तियों में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर शिफ्ट हो गई है सनरेज, क्योंकि टिल्ट है अर्थ अपनी एक्सिस पर झुका हुआ है। तो सर्दियों में ये सिचुएशन बनती है कि साउदर्न हेमिस्फीयर ऊपर हो गया, नॉर्दर्न नीचे हो गया, साउदर्न झुका हुआ है। तो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जा रही है, इसलिए टेम्परेचर वहां पर ज्यादा है। और गर्मियों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर होता है और झुका हुआ होता है सन की साइड, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्मी होती है। सो हम कह सकते हैं कि जो रेवोल्यूशन है अर्थ का उसकी वजह से भी टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। जैसे सर्दियों में कम टेम्परेचर होता है, गर्मियों में ज्यादा टेम्परेचर होता है, ये क्योंकि मूवमेंट हो रहा है हमारी अर्थ का, रेवोल्यूशन कर रही है, जिसकी वजह से ये चेंज आते हैं। सी लेवल से हाइट है वो भी इम्पैक्ट डालती है टेम्परेचर पर। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और एक जिस वैल्यू में होता है दैट इज 165 मीटर पर जब हम जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल ले हम दिल्ली एंड शिमला का, सो दिल्ली में इतना टेम्परेचर नहीं होता जितना शिमला में है टेम्परेचर, क्योंकि शिमला है वो ज्यादा ऊंचाई पर है। सो हिली स्टेशन है या हिली एरियाज है वहां पर भी टेम्परेचर है वो कम होता हुआ चला जाता है, क्योंकि अभी आपको बताया है कि जैसे जैसे ऊपर हाइट बढ़ती जाएगी तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। मतलब अगर 1 किलोमीटर की हम बात करें तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा, रिड्यूस, यहां पर भी रिड्यूस। ओके, सो दिस इज द फिनोमिना टू चेंज ऑफ द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द हाइट फ्रॉम द सी लेवल। नेक्स्ट फैक्टर दैट इफेक्ट द टेम्परेचर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी है वो भी टेम्परेचर पर इम्पैक्ट डालती है। मीन्स जो प्लेस सी से जितना दूर होगा वहां पर जो क्लाइमेट है इतना ही ज्यादा एक्सट्रीम होगा, वहां पर ज्यादा एंड कम टेम्परेचर हो सकता है बहुत ज्यादा। जैसे कि हमने एक कंपैरिजन पढ़ा था एंड लैंड। सो वाटर और लैंड का जब हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तो जो वाटर होता है वो देर से ही गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो यहां पर जो टेम्परेचर मिलेगा वो मिलेगा मॉडरेट, ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा। अगर हम बात करें मुंबई की, एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड वहां पर एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि वो समुद्र के पास में है। जो सी के पास में होगी प्लेस वहां पर ना ही ज्यादा गर्मी होगी ना ही ज्यादा सर्दी होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था क्योंकि वाटर लैंड के कंपैरिजन में देर से ही गर्म होता है देर से ही ठंडा होता है, तो एक्सट्रीम यहां पर क्लाइमेट नहीं होता है। और इन कंपैरिजन अगर जो लैंड है जो सी से अगर दूर है कोई जगह बहुत ज्यादा, जैसे दिल्ली का अगर हम एग्जांपल ले तो वहां पर सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि जो लैंड होता है वो जल्दी ही जो इंसुलेशन होती है उनको एब्जॉर्ब करता है और जल्दी ही उनको रिलीज करता है। सो उससे क्या होता है कि सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी। तो टेम्परेचर कम या ज्यादा किसकी वजह से हो रहा है, डिस्टेंस, जो सी का डिस्टेंस है उससे भी टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर दैट इफेक्ट द टेम्परेचर इज ओशनिक वेव्स। ओशनिक वेव्स होती है वो भी इम्पैक्ट डालती है टेम्परेचर पर। अगर कहीं पर हॉट स्ट्रीम है, हॉट वेव्स है, तो वो वहां के टेम्परेचर को गर्म कर देंगी, बढ़ा देंगी वहां के टेम्परेचर को, जबकि जो कोल्ड वेव्स होती है, कोल्ड स्ट्रीम्स होती है, वो आसपास के जो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती है। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में गल्फ स्ट्रीम है एक, जो कि एक हॉट वेव है, गर्म पानी की धारा है। सो ये कोस्टल, जो कोस्टल एरिया है उसका, वहां का टेम्परेचर बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, क्योंकि जो वेव्स हैं वो कैसी हैं, हॉट है, गर्म है, तो टेम्परेचर अपने आसपास के एरिया का बढ़ा दिया। और उसी लैटिट्यूड पर लैब्राडोर वेव्स हैं, लैब्राडोर की जो स्ट्रीम्स हैं
वो कोल्ड वेव्स हैं, तो होता क्या है कि लैब्राडोर का जो आसपास का एरिया है वो 9 मंथ स्नो कवर्ड रहता है, मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है आसपास के एरिया का कि 9 मंथ है वो स्नो कवर्ड रहता है, वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता. सो हियर इज द इम्पैक्ट ऑफ ओशनिक वेव्स ऑन टेम्परेचर. नेक्स्ट फैक्टर इज विंड. विंड की वजह से भी किसी प्लेस का टेम्परेचर घटता और बढ़ता है. इटली में सहारा डेजर्ट से हॉट विंड्स आती हैं, हॉट सिरोको विंड्स आती हैं, जो कि इटली के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, क्योंकि विंड है उनका टेम्परेचर भी ज्यादा है, गर्म हवाएं चल रही हैं. नॉर्दर्न अमेरिका में भी चिनूक हैं, वो भी टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, ये भी गर्म धाराएं, तो वहां ये भी गर्म हवाएं हैं तो वहां के टेम्परेचर को ये भी बढ़ा देती हैं. जबकि मिड एशिया से कोल्ड विंड चलती है चाइना की तरफ, मिड एशिया से कोल्ड विंड आ रही है चाइना की तरफ, वो चल रही है और इसकी वजह से चाइना है वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, मतलब चाइना है एक ठंडा क्षेत्र बन जाता है. किसकी वजह से? जो ठंडी हवाएं आ रही है मिड एशिया से उनकी वजह से. इंडिया में बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में समर में चलने वाली जो लू रीजनली लोकल विंड्स हैं उनकी वजह से भी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है. सो विंड इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. नेक्स्ट फैक्टर इज स्लोप ऑफ सरफेस. किसी सरफेस का जो स्लोप है वो भी इम्पैक्ट डालता है कि वहां पर टेम्परेचर कितना होगा. सपोज सन यहाँ पर है तो सन की जो रेज है वो यहां तक तो पहुंच रही है, लेकिन यहां पे पहुंचने में उसको बहुत सा टाइम लगेगा और ये जो पीछे का एरिया है यहाँ पर सन की रेज कम पहुंच पाएगी. सो इंसुलेशन जहां पर कम होगा, जहां पर सूर्य की जहां पर सन की हीट कम पहुंच पा रही है वहां पर टेम्परेचर कम होगा. सो इस रीजन में डायरेक्ट सन की रेज पहुंच पा रही है तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू जो लीवार्ड साइड होता है किसी भी स्लोप का, जहां पर सनरेज है वो पहुंच ही नहीं पा रही है लीवार्ड साइड में. सो यहां पर टेम्परेचर कम होता है और यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट सन रेज के कॉन्टेक्ट में है. सेकेंड इज फिजिकल लैंडस्केप एंड रिलीफ. फिजिकल लैंडस्केप एंड रिलीफ में जहां पर स्नो होती है या आइस होती है वहां पर, या जहां पर बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो इंसुलेशन हो रहा है, जो सन से रेज आ रही है उनको रिफ्लेक्ट कर दिया इन्होंने, रिफ्लेक्ट करके ये वापस भेज देते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है इन रीजन में. जहां पर डेंस फॉरेस्ट है, जो वो क्षेत्र जो वनस्पति से ढका हुआ है, या जहां पर आइस है, बर्फ है, हिम है, वो सन रेज को डिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं और एब्जॉर्ब नहीं करते उनको, जिसकी वजह से वो ज्यादा वहां पर टेम्परेचर नहीं होता है. और इन इसका अपोजिट में जो सैंड होती है, बालू रेत होता है या ब्लैक सॉइल है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है सन की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाउड एंड रेनफॉल. जब एटमॉस्फेयर में क्लाउड होते हैं तो वो सन रेज को रिफ्लेक्ट करके वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं और नीचे नहीं आने देते अर्थ सरफेस में, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता है. सो टेम्परेचर कम होगा अगर क्लाउड होंगे, क्योंकि वो सन हीट को नीचे नहीं आने दे रहे हैं. के बाद में टेम्परेचर जहां पर ज्यादा है उन जगह पर टेम्परेचर में कमी आ जाती है. सो दीज आर द फैक्टर दैट इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. जो टेम्परेचर पर इम्पेक्ट डालते हैं वो ये कुछ फैक्टर थे. नेक्स्ट इज नॉर्मल लैप्स रेट. नॉर्मल लैप्स रेट हमने अभी पढ़ा था कि 165 मीटर जब हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, इसे ही कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट. मतलब अगर क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज नहीं होना, 165 मीटर जब हम हाइट पर ऊपर जाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम आता है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट. और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अपने लिखना भी यही है. एंड एक होता है इनवर्जन ऑफ टेम्परेचर. इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है कि हाइट के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है. कई कंडीशंस ऐसी होती है जब हाइट के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे, उसे कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. इन्वर्जन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो नॉर्मल एक नॉर्मल फिनोमेना तो यही कहता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन अगर ऐसी आ जाए कि टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसलिए उसे इन्वर्जन कहा गया है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट इज आइसोथर्म्स. आइसोथर्म्स आर द इमेजिनरी लाइन विच आर ड्रॉन ऑन द मैप
and it join the area whose temperature is same. दो ऐसे places को joined करती है जिनका temperature same होता है, और ये map पर imaginary lines वो imaginary lines है जो same temperature वाले जो places है उनको joined करती है. Suppose करिए हम 20 degree celsius वाले कोई places है उनको joined कर रहे हैं, तो इस तरीके से चलती है ये. मीन्स ये मैप के ऊपर ये दिखाने के लिए कि कहां पर टेम्परेचर है वो एक जैसा है, उनको आइसोथर्म्स बोला जाता है. सो जहां पर लैंड होगा वहां पर ये स्ट्रेट दिखती है, इक्वेटर के पैरेलल चलती है. लेकिन अगर कोई वाटर बॉडी आ जाए तो, अगर क्योंकि ओशन आ गया बीच में तो ओशन का टेम्परेचर अलग है, तो ये टर्न ले लेती है, टर्निंग स्टार्ट हो जाती है इनकी, ये मूवमेंट करती है क्योंकि वाटर वहां पर आ गया है. सो यहाँ पर 20 डिग्री, यहाँ पर लैंड था, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर ये ओशन था इसलिए इन्होंने टर्निंग ले लिया है. सो आइसोथर्म्स इमेजिनरी लाइंस है जो मैप पर टू सेम टेम्परेचर वाले प्लेसेस को आपस में ज्वाइंट करती है. और अगर बीच में ओशनिक बॉडी आ जाए, बीच में ओशन आ जाए, तो ये टर्न ले लेती है, मतलब वहां से ये टर्निंग ले लेती है. डिफरेंट कंट्रीज के या डिफरेंट प्लेसेस के जो आइसोथर्म्स है, जो टेम्परेचर है उनकी स्टडी के लिए या कंपेरेटिव स्टडी के लिए मेनली जुलाई एंड दिसंबर के जो आइसोथर्म्स है उनकी स्टडी करी जाती है. सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट आवर चैप्टर, और इस चैप्टर में इंसुलेशन पर कौन से फैक्टर इम्पैक्ट डालते हैं, हीट बैलेंस कैसे होता है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा एटमोसफेयर, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उस वजह से हीट का बैलेंस हमने हीट बजट पढ़ा था, दैट इज, एंड टेम्परेचर को पर इम्पैक्ट डालने वाले फैक्टर जो हमने आज पढ़े. तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैम. रिवाइज दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ नोट्स एंड डू योर वर्क ऑन रेगुलर बेसिस एंड फॉलो योर टाइम टेबल. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज. थैंक यू.